हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मिट्टी से सरस्वती माता की मूर्ति कैसे बनाता है वो देखेंगे। इस वीडियो पे मैंने स्टेप बाय स्टेप मूर्ति बनाना सब दिखाया है और अच्छे से बताने की भी कोशिश करूँगा ताकि आप सबको अच्छे से आइडिया मिले। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो उसमें आपने देखा होगा सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ही डालकर मैंने मूर्ति बनाना दिखाया है, पर इस बार मैंने पहली बार अपने आवाज देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं कहूँगा, आई मीन टू से फोर्स नहीं करूँगा, बस टैलेंट देखिए और मेरे इस काम के लिए मैं कितने लाइक्स और सब्सक्राइबर्स डिजर्व करता हूँ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रॉस की मदद से स्ट्रक्चर बना दिया और उसके ऊपर मिट्टी लगा रहा हूँ जिससे हमें अगला काम करने में आसानी होगी। बस पतला सा ही लेयर लगाना है मिट्टी का। अभी मैंने स्ट्रॉस के ऊपर मिट्टी के पतले लेयर लगाने के बाद उसे आकार देना स्टार्ट कर दिया है। देखिए अभी मैंने माता जी के चेस्ट के नीचे वाले चमड़े पर काम करने के बाद माता जी के कमर के पार्ट को आकार दे रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी में ठीक से कंफर्टेबली बात क्यों नहीं कर पा रहा, तो मैं बता दूं कि मैं ओडिशा से हूँ, जगन्नाथ जी का धाम ओडिशा, आप जानते ही होंगे। तो मैं चाहता तो इस वीडियो में मैं ओडिया में बोल सकता, पर इंडिया के सभी स्टेट के लोग समझने के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हमारी राष्ट्रीय भाषा में। हाथों में भी उसी के जैसा ही काम करना है। मिट्टी लगाते वक्त ये ध्यान रखें कि जो भी पार्ट आप बना रहे हो वो खुदरा ना हो, तब तक मिट्टी को हाथ से घिसे जब तक वो पार्ट प्लेन या सॉफ्ट ना हो जाए, चिकना ना हो जाए। और ज़्यादा जोर मत लगाना वरना आपका स्ट्रक्चर टूट भी सकता है, छोटा सा मूर्ति है ना, बड़े वाले साइज के मूर्ति के तो अलग बात है, छोटा है ना तो देख के काम करना पड़ता है।
तो माता जी की बॉडी को मिट्टी से शेप देने के बाद कुछ टाइम के लिए सूखने के लिए छोड़ दे। सूखने के बाद एक पतला सा कॉटन का कपड़ा ले और उसमें मिट्टी लगाकर अपनी मूर्ति के सभी हिस्से पर लगा दे। इससे क्या होगा ना, आपकी मूर्ति स्ट्रांग हो जाएगी और जो मूर्ति के ऊपर क्रैक्स आते हैं ना वो भी नहीं आएंगे। क्रैक्स मिटाने का फॉर्मूला यहाँ। तो मैंने यहाँ बॉडी के पार्ट को कंप्लीट करने के बाद पैरों पे भी वही काम किया है। पहले पैर को मिट्टी से शेप दूंगा और सूखने के बाद उसके ऊपर कॉटन का कपड़े में मिट्टी लगाकर मूर्ति में लगा दूंगा। माता के पैरों का हिस्सा और चेस्ट का हिस्सा तो साड़ी में रख जाएगा, तो उसमें बारीकी से काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही ख्याल रखें कि वो हिस्सा ठीक शेप में हो और क्रैक्स ना आए। एक्चुअली मैंने किसी से सीख कर मूर्ति बनाना सीखा नहीं है, बस मेरा एक जुनून था कि जैसे मैं किसी चीज़ की ड्राइंग बनाता हूँ, काश वैसे मैं एक मूर्ति बना पाता तो उसी चीज़ को अपने मन के अनुसार ठीक से आकार दे सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब से देखा, आइडिया लिया और ट्राई किया। पहले तो बहुत से मिस्टेक्स हुए मानता हूँ, पर अभी मेरा काम आप देख ही सकते हो। तो बात यह है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। देखिए, क्रैक्स लाने के लिए मैंने जो कॉटन के कपड़े का काम किया था वो कंप्लीट हुआ, पर उसके बाद हमें सॉफ्ट मिट्टी से मूर्ति के ऊपर एक पतली सी लेयर लगानी है, क्योंकि कॉटन के कपड़े का निशान रहेगा मूर्ति पर जो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप अपने सॉफ्ट कॉटन कपड़े को मूर्ति के ऊपर अच्छे से यूज़ किए और आप अपने काम से सेटिस्फाई हो तो उसमें मिट्टी से और एक पतली लेयर लगाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली जो मैंने जो कॉटन कपड़े का यूज़ किया है मूर्ति में, उसमें कपड़े का निशान आएगा मूर्ति में, तो मैं उसको मिट्टी लगाकर चिकना कर रहा हूँ। पर मेरी मानो तो जैसे जो भी कपड़ा आपने लगाया हो तो भी मिट्टी से और एक पतली सी परत डालना अच्छा रहेगा,
पर वो मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए और ध्यान रखें कि उस मिट्टी से क्रैक्स ना आते हों। इसके बाद हम मूर्ति के हाथ पैर उसकी उंगलियां बना देंगे। पैर में दाहिने पैर का दायां साइड और बाएं पैर का बायां साइड पतला रहेगा, क्योंकि वहां छोटी उंगलियां जाती है, बड़ी उंगली वाला पार्ट मोटा रहेगा थोड़ा। पैरों की उंगलियां ना हाथों की उंगलियों से थोड़ा मोटा रहेगा, थोड़ा सा। पहले तो उंगलियां बहुत मोटी लगेंगी, पर डोंट वरी, पैर के बाकी के काम शेप देने के बाद ठीक लगेगा। अच्छे से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, वैसे ही कीजिएगा। अब हम गले के पार्ट में मिट्टी लगाएंगे, शेप नहीं देना है।
इसके ऊपर जो हमने माता का फेस बना है वो सेट कर देंगे। कलरिंग होने के बाद माता सरस्वती की मूर्ति कुछ ऐसी दिखाई देगी। अगर आप इस वीडियो का कलरिंग पार्ट देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।